हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जा रहा हूँ श्रीलंका कोलंबो। तो आज मुझे श्रीलंकन एयरलाइन की फ़्लाइट कराची से कोलंबो तक लेनी है और इसका ट्रिप रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। श्रीलंकन एयरलाइन की इस फ़्लाइट के लिए मेरे पास 30 kg चेक्ड बैगेज है, तो ये मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है। अब ज़रा मैं इसका वेट कर लेता हूँ। बैग का वेट करने के लिए मैं ये डिवाइस यूज़ करूँगा। ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी थी, लेकिन ये पाकिस्तान में भी आसानी दस्तयाब है। रेडी। तो ये मैंने डिवाइस ऑन की है और अब देखते हैं कि इसका कितना वज़न बन रहा है। ये मैक्सिमम 20 से 21 किलोग्राम के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि वी आर फाइन, वी आर गुड टू गो। वेटिंग फॉर माय राइड, अपनी कैब का वेट कर रहा हूँ और ये मेरी कैब आ गई, ये आ गई मेरी कैब। तो ठीक है जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया है, तो हम चलते हैं कोलंबो। तो दोस्तों, ये हमारे साथ हैं हमारे भाई, हमारे ड्राइवर महबूब भाई इनका नाम है, और ये हमारे इलाके रहीमिया खान सिंह हैं, खान टेलर सिंह का ताल्लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे थे ये। रात को बड़ा ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कि मैं पासपोर्ट और बैंक कार्ड्स घर पे भूल आया हूँ। कैसे हो गया ये? सबसे जो अहम चीज़ें हैं, पासपोर्ट और बैंक कार्ड, वो मैं घर भूल गया। तो हम एयरपोर्ट से मुड़े वापस घर गए। ठीक है जी, अभी जान में जान आई है, घर गया हूँ, पासपोर्ट सारे उठाए हैं मैंने, और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा भंड जो मैंने मार दिया था वो ये कि मैंने बैंक कार्ड नहीं उठाए थे, बैंक कार्ड जो बाहर के लिए होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल के लिए दो चीज़ें जो ज़रूरी थी वो माशाल्लाह से मैं घर ही भूल आया था, पासपोर्ट और बैंक कार्ड्स। बहरहाल अच्छी बात ये थी कि मैं घर से फ़्लाइट के टाइम से 3.5 घंटे पहले निकला था, हम तकरीबन एयरपोर्ट पहुंच गए थे तब जाके मुझे याद आया। तो अभी हम वापस घर आए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स होपफुली कि अब मैंने ले लिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं वापस एयरपोर्ट। और अभी तकरीबन 3:35-3:40 हो रहे हैं और फ्लाइट का टाइम है 5:50। तो आई होप के अब सब कुछ ठीक रहेगा और अब मैं कोई ऐसी बुंगी नहीं मारूंगा और कोई ऐसा ब्लंडर नहीं करूंगा। और यकीन करें कि मैंने सारी चीज़ें लिख लिख के रखी हुई थी कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये चीज़ें पैक करनी है, हर चीज़ मैंने लिख ली। अगर नहीं लिखी तो बैंक कार्ड्स और मैंने पासपोर्ट नहीं लिखे, और वही मैं भूल गया। तो यार बहरहाल जी, मुझे देखें, और मैंने भी सबक लिया है, आप भी सबक लें कि कभी भी जो है ना, पासपोर्ट, वीज़ा और बैंक कार्ड, कैश, ये जो चीज़ें हैं इनको नहीं भूलना, इनको सबसे पहले उठा के रखें और फिर कोई और चीज़ करें। तो मैं लिटरली सोच रहा था कि मेरा वो सीन होता जिस तरह नहीं होता मुल्तान बस अड्डे पे कोई बंदा खड़ा हो और वो लोगों को कह रहा हो जी मैं रहीम यार खान तो आया, मेरा पर्स गिर गया है, मैं जानिया तक जाना है, तो मेरे को किराया कोई नहीं हैगा, तो मेरी मदद करो। वो हाल मेरा कोलंबो एयरपोर्ट पे होता। फहीम साहब, तुसी जरा ना अपना दिमाग खोलो, कोई सही तरीके नाल सोचो। फहीम साहब, ये ठीक नहीं था, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। बहरहाल जी, वी आर बैक इन द गेम। हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और दोपहर का टाइम है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा एयरपोर्ट पे रश नहीं होगा, क्योंकि कराची एयरपोर्ट से जो ज़्यादातर फ्लाइट्स जाती हैं वो अर्ली मॉर्निंग निकलती हैं। तो लेट्स सी कि एयरपोर्ट पे रश होता है या नहीं।
फ़्लाइट के टाइम से एग्जैक्टली 2 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। तो ठीक है जी, हम चलते हैं श्रीलंका कोलंबो और उम्मीद करते हैं कि कोलंबो में ज़्यादा बारिश ना हो और हमें अच्छे एक्साइटिंग सनसनीखेज मैचेस देखने को मिले। ठीक है जी, एयरपोर्ट में एंटर हो गए। ये श्रीलंकन एयरलाइंस का चेक इन काउंटर है और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आई एम सो लकी टुडे। जब भी कभी ट्रैवल के लिए जाएं, ये प्लास्टिक रैपिंग ज़रूर करा लें और यकीन करेंगे ये पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, सिर्फ 50 रुपये पर पैक, 50 रुपये। बाहर के मुल्कों में यकीन करें इसके 15-20 डॉलर लेते हैं एयरपोर्ट्स पे। और जैसे ही मैंने चेक इन किया है तो मैंने अपने बैगेज रिसीट और बोर्डिंग पास का पिक्चर ले लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकेस अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए, कोई बैग वगैरह गुम हो जाए। एयर ब्लू और गल्फ की तरफ काफ़ी जाने वाली फ़्लाइट्स हैं जिनका ये रश लगा हुआ है, तो ठीक है हम भी लाइन में लग जाते हैं। मुसाफरों की अक्सरियत गल्फ में जाने वाले मज़दूरों की है और यकीन करें कि ये वो मेहनत कश हैं जिनकी कमाई से पाकिस्तान चलता है। साड़ी वारी आन वाली है। सो ऑल चेक्ड इन, इमिग्रेशन से मैं गुजर चुका हूँ और अब अंदर मैजेस्टिक लाउंज में आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पाकिस्तानी मैच देखने के लिए श्रीलंका जा रहे हैं। तो ये मैजेस्टिक लाउंज है कराची एयरपोर्ट पे और मैंने मिज़ान बैंक का वर्ल्ड डेबिट कार्ड बनवाया था। इसके चार्जेस तकरीबन 17,000 रुपीज़ हैं, लेकिन इस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुनिया भर में तकरीबन 900 लाउंजेस जो एयरपोर्ट्स पे हैं उन पे ये क्लेम करते हैं कि जी वहाँ पे आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने मेरा कार्ड दे के ही लाउंज एक्सेस मुझे दे दिया है, लेकिन वैसे इसके लिए ऐप इस्तेमाल होती है ड्रैगन पास, ड्रैगन पास के नाम से ऐप है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है। 17,000 रुपये में एक साल के लिए आपको अगर दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे लाउंज की सहूलत हो तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मुझे आदिल तनवीर भाई ने इसके बारे में बताया था, तो मेरा अभी फ़्लाइट का इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरा बस मकसद ये था कि ना मैं इसको एक एक्सपीरियंस कर लूँ और इसको एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि लाउंज एक्सेस वगैरह मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ठीक है जी, हम अपनी ड्रिंक वगैरह लेते हैं और चलते हैं बोर्डिंग के लिए। तो जी ये सारा खाना है, ब्रेकफास्ट, मेन मेन्यू, एपेटाइजर्स, बेवरेजेस, ये सब फ्री होता है। मैं लाउंज से कॉफ़ी वगैरह ले सकता था, लेकिन मुझे इस आउटलेट की चाय बड़ी पसंद है, देसी पाकिस्तानी चाय। तो बजाय के लाउंज में फ्री की कॉफ़ी लूँ, मैंने यहाँ पे आगे 280 रुपये की है पाकिस्तानी चाय ली है। अनाउंसमेंट्स हो रही हैं तो हम चलते हैं अपने गेट की तरफ। लो जी, हमारा गेट तो खाली पड़ा हुआ है। इस जहाज़ पर हम जाएँगे A320 एयरबस। ये जहाज़ 2004 में बना था और 24 दिसंबर 2004 को चाइना सदर्न एयरलाइन ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। श्रीलंकन एयरलाइंस ने आज से 12 साल पहले 7 अप्रैल 2011 से इस जहाज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया। इस जहाज़ में टोटल सीट्स 150 हैं। इस जहाज़ की टोटल कैपेसिटी 9.4 टन्स है। तो जी रिलैक्स करते हैं और अपनी चाय पीते हैं। सो वेलकम ऑन बोर्ड।
UL184 श्रीलंकन एयरलाइंस। सो वेलकम ऑन बोर्ड। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है और श्रीलंकन एयरवेज का जो केबिन क्रू है, एयर होस्टेसेस हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, प्लेजेंट पर्सनैलिटी है और बड़े अच्छे तरीके से, खुशगवार तरीके से वो गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं उनकी सीटों तक। और जहाज़ अगर जो छोटा है लेकिन कूलिंग ऐसी मज़े की है कि मज़ा आ गया। मैं अपनी चाय इंजॉय कर रहा हूँ और ये तेज़ कड़क चाय पी के मुझे लग रहा है कि मैं सुपर फ्रेश हो गया हूँ। कराची टू कोलंबो रिटर्न फ्लाइट, इसके लिए मैंने पे की है पाकिस्तानी तकरीबन 189,000 PKR या मैक्सिमम लगा लें 1,90,000 पाकिस्तानी रुपए। और पाउंड्स में इसकी जो कीमत मैंने पे की है वो थी तकरीबन 489 और US डॉलर ये बनते हैं तकरीबन 451। मेरे पास ऑप्शन ये थी कि या तो मैं श्रीलंकन एयरवेज लूँ या फिर मैं फ्लाई दुबई वगैरह ट्राई करूँ। फ्लाई दुबई का टिकट थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था लेकिन प्रॉब्लम ये थी, पहले यहाँ से दुबई जाओ फिर वहाँ पर लंबा स्टे होता है। अच्छा, मैं एयरपोर्ट से बाहर तो जा सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें हैसल और ख्वारी होती है। आप बाहर निकलें, होटल वगैरह जाएं और उसके बाद होटल वगैरह से फारग हो के फिर दोबारा जाएं, चेक इन करें और फिर आगे श्रीलंका जाएं। अब प्रॉब्लम ये है, दुबई या गल्फ के कंट्रीज़ अपोजिट साइड पे हैं, श्रीलंका अपोजिट साइड पे है, तो वो मुझे एक साइड की जर्नी कम अज़ कम 12 घंटे की पड़ रही थी। और वापसी पर जो फ्लाई दुबई थी वो पहले श्रीलंका से आगे मालदीप जा रही थी और मालदीप से फिर उसने आगे दुबई जाना था और फिर दुबई से उसने कराची आना था, तो ये फिर बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता। तो इसलिए मैंने श्रीलंकन एयरलाइन को तरजीह दी। तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब इसका फेयर है और मेरा ख्याल था कि फ़्लाइट इतनी ज़्यादा फुल नहीं होगी लेकिन ये तकरीबन एवरेज, मैं कह सकता हूँ कि एवरेज ये फुल है। तो मैं ये करूँगा कि जब एक दफ़ा जहाज़ उड़ जाएगा, ऊपर पहुँच के स्टेबल हो जाएगा, तो मैं ये करूँगा। अच्छा, तो अच्छा सीट्स की अगर हालत की बात कर लूँ तो बस नॉर्मल सी सीट्स हैं बट इट्स ओके। थोड़ी सी इसकी जो सफाई वगैरह हो सकती थी वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी लेकिन इट्स ओके, नो कंप्लेंट्स। ट्रे खोल के भी देख लेते हैं, इट्स नीट एंड क्लीन, तो इट्स ओके। तो बस एक बेसिक फ्लाइट है और नो फ्लाइट एंटरटेनमेंट लेकिन इट्स ओके। मैं अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप पे काम चला लूँगा। मेरे साथ फैमिली बैठी थी लेकिन फैमिली पीछे चली गई है और जब एक दफ़ा फ्लाइट फ्लाई कर जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पीछे चला जाऊँ खाली सीटों। कराची में आज काफ़ी गर्मी थी लेकिन जहाज़ में देखें कैसी ज़बरदस्त कूलिंग हो रही है, ऊपर से सफ़ेद धुएँ निकल रहे हैं, मज़ा आ गया ऐसी कूलिंग का। आज की वीडियो के लिए मैं बोया का ये माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आईफोन का माइक है और ये मैंने द्रास से तकरीबन 4,100 रुपये का ख़रीदा था लेकिन बहुत ज़बरदस्त माइक है। फ़्लाइट का टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:50 था और इस वक्त तकरीबन पूरे 6 हैं और जहाज़ ऑलरेडी टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है, तो ऑलमोस्ट हम टाइम पर चल रहे हैं, तो एक और पॉजिटिव साइन है। इस फ्लाइट पे मैंने कुछ गैर मुल्की देखे हैं, बहुत थोड़े, ज़्यादातर पैसेंजर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानियों ने अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया में है, तो अगर पाकिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो उसके लिए या श्रीलंकन एयरवेज के थ्रू वो जाते हैं या फिर वो जाते हैं थाई एयरवेज के थ्रू। उसके ये जो है ना, ये दोनों लॉजिकल रूट्स हैं सीधे सीधे। उसके अलावा फिर गल्फ की एयरलाइंस आ जाती हैं,
गल्फ़ की एयरलाइंस की मैं बात करूँ तो उनके पुठे रूट हैं। पहले आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, गल्फ़ कंट्री में जाओ, वहाँ जाके आप जहाज़ चेंज करो और फिर आगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ जाओ, तो वो थोड़ा सा लंबा रूट पड़ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने के लिए पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के लिए श्रीलंकन एयरवेज और इसके अलावा थाई एयरवेज काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस हैं। लेग रूम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये मुनासिब लेग रूम है। बास एयरलाइंस जैसे कि फ्लाई दुबई या एमिरेट्स में भी कई दफ़ा लेग रूम काफ़ी कम होता है, लेकिन ये अच्छा मुनासिब लेग रूम है। तो वैसे भी कोई लंबी फ्लाइट तो नहीं है, तीन घंटे 10 मिनट की ये फ़्लाइट है, तो उस दौरान बंदा बैठ के आराम से गुजारा कर लेता है। तो जनाब हम करते हैं लू का रिव्यू, और क्योंकि ये नया जहाज़ नहीं है, थोड़ा पुराना जहाज़ है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको चीज़ें पुरानी नज़र आ रही हैं, लेकिन अहम बात ये है कि ये नीट और क्लीन होना चाहिए जो कि ये है, और अच्छी यहाँ से जो फ्रेगरेंस वगैरह इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है उसकी वजह से अच्छी खुशबू आ रही है, कोई बदबू वगैरह या गंदगी वगैरह का एहसास नहीं हो रहा। तो प्रिटी बेसिक एंड क्लीन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। जहाज़ उड़ के स्टेबल हो चुका है, तो कैबिन क्रू ने कस्टमर्स को खाना सर्व करना शुरू कर दिया है। तो हम भी मोबाइल पे कुछ म्यूज़िक या वीडियोस एंजॉय करते हैं। प्रिजन ब्रेक का कोई एपिसोड लगा के देखता हूँ। ये जहाज़ एयरबस A320 है, छोटा जहाज़ है और निस्बतन एक पुराना मॉडल है, जिसकी वजह से इसमें कोई इनफ्लाइंट एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं है, और इस वजह से मुझे मोबाइल पे वीडियो देख के गुजारना करना पड़ रहा है। तो ठीक है जी, देखते हैं खाने में क्या आ रहा है। लाउंज में, मैजेस्टिक लाउंज में बड़े मज़े के सैंडविचेस, क्लब सैंडविचेस, चिकन सैंडविचेस और फ्राइज़ वगैरह थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। तो जी खाना सर्व कर दिया गया है, और देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। ये थोड़ा सा सैलड लग रहा है, ये मीठा है जो कि मैं नहीं खाने वाला, और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये चिकन बिरयानी लग रही है, तो ये है चिकन बिरयानी, ज़रा इसे खाते हैं और टेस्ट करते हैं। Not bad. अच्छी है, टेस्टी है। मेरी तरफ से ये पास है। अच्छी बिरयानी है, हमारे पाकिस्तानी हिसाब की तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से फ्लाइट्स में खाना मिलता है उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। तो ठीक है जी, अभी तक की फ़्लाइट बेहतरीन जा रही है,
और जो है यानी कि नॉर्मल अच्छा सफ़र जा रहा है। कैबिन क्रू वगैरह बहुत प्लेजेंट, अच्छा बिहेवियर है उनका और अच्छे से उन्होंने सर्व किया है। जब फ्लाइट शुरू हुई थी तो उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने खाना वगैरह सर्व कर दिया, तो इस वक्त हमें फ़्लाइट में एक घंटा गुजर चुका है। अब तक बेहतरीन जा रहा है, आई एम अ हैप्पी कस्टमर। तकरीबन डेढ़ घंटा गुजर चुका है फ़्लाइट में, तकरीबन आधा रास्ता हमारा हो गया होगा, और क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्रीन्स वगैरह नहीं है तो हमारे पास कोई फ़्लाइट मैप वगैरह भी नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि इनका कैबिन क्रू, इनकी एयर होस्टेसेस बड़ी प्लेजेंट उनकी पर्सनालिटी है और बहुत अच्छे तरीके से वो चेहरे पे स्माइल ला के कस्टमर्स को सर्व कर रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है तकरीबन 2 साल पहले की बात है, मैं पहला अपना व्लॉग बना रहा था, इत्तेहाद एयरलाइन की फ़्लाइट थी और उसमें मुझसे गलती ये हुई कि मैंने ना टॉयलेट से बाहर निकल के डायरेक्ट वीडियो बनानी शुरू कर दी, जिससे पता लग रहा था कि भाई बंदा वीडियो बना रहा है। अच्छा यार, सारे मुसाफिरों का मुंह उस तरफ है, मैं ये पीछे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। इतनी दूर एक एयर होस्टेस थी, उस ज़माने में कोविड का टाइम था, तो यार बंदा पूछे इतनी दूर है, उसने मास्क भी लगाया हुआ है और मुँह पर शील्ड भी लगाई हुई है, तो वो तो नज़र वैसे भी नहीं आ रही थी। पीछे से एक और वेस्ट ईस्टर्न यूरोप या पता नहीं वेस्टर्न यूरोप की कोई एयर होस्टेस थी, वो आके मुझे बातें सुनना शुरू हो गई। कहती जी कि आप मेरी कोलीग की वीडियो बना रहे हैं। मैं कहा गल सुन, इन्नी दूरों हैगी है, चेहरे पर उसके शील्ड है और मास्क है, मैंने उसकी वीडियो बना के क्या करना है, मैं तो जनरली अपने वीलॉग के लिए बना रहा हूँ। पर वो कहने लग पड़ी कि जी आप कि अगर कोई ऐसे वीडियो बनाए बगैर ही चाहो तो आपको कैसे लगेगा। तो वो बहरहाल उसका अजीब सा एटीट्यूड था। मेरे ख्याल से ये एक कल्चरल थिंग है, क्योंकि कल्चरली जर्मनी या इसके आसपास के जो यूरोपियन मालिक हैं वहाँ पर ये वीडियो बनाने को, फिल्मिंग को बहुत बुरा समझा जाता है। तो शायद ये वजह थी जिसकी वजह से वो माइंड कर रही थी, वरना आप अगर जनरली किसी के चेहरे पे फोकस करके स्पेसिफिकली उसकी वीडियो नहीं बना रहे तो जनरली ये टॉलरेट किया जाता है। और ये बात हमने तमाम वीलॉग्स, हर किस्म के वीलॉग्स, ट्रैवल वीलॉग, फ्लाइट रिव्यूज़, इन सब में हमने देखी है। तो बहरहाल जी, आई होप कि आधा सफ़र हमारा गुजर गया और अच्छा जा रहा है अब तक। अली अजमत, वाह क्या बात है, कराची किंग्स का सॉन्ग यार। अली अजमत की ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी से भरी हुई आवाज़ है कि क्या कहूँ। मैन ऑन पॉइंट, यूर ऑन पॉइंट, ये अफ्रीकी लड़के भी क्या कमाल के सिंगर्स हैं। अब हम पे हफीदा साफ पता चलता है। फ़्लाइट में लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन जल्द ही हम लोग कोलंबो लैंड करने वाले हैं। जहाज़ मुकर्रर वक्त से तकरीबन 15 मिनट पहले लैंड करेगा। कोलंबो शहर की रोशनियां नज़र आ रही हैं। लो जी, पहुंच गए कोलंबो। ठीक है जी, तैयारी से उतर रहे हैं और नीचे बस खड़ी है। श्रीलंकन एयरलाइन A320। लो जी, बारिश शुरू। हम जब उतरे थे तब बारिश नहीं हो रही थी, एक मिनट में बारिश शुरू हो गई है। अरे वाह, पायलट हजरात भी हमारे साथ ही हैं। टर्मिनल पे पहुंचने वाले हैं।
इमिग्रेशन, शुक्र है लाइनें लंबी नहीं है। यहाँ कंप्यूटर पे एक फॉर्म फिल करना होता है, हम अपना पासपोर्ट नंबर डालते हैं, ज़्यादातर डाटा तो वहीं पे होता है। और ये आ गया मेरा बैग, बिल्कुल सामने सामने ही है। बाहर निकल के पहला नज़ारा, और यकीन करें एक एक चीज़ देख के पता लग रहा है कि हर लिहाज से यहाँ पे टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया जाता है। सिम कार्ड ले सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, हर किस्म की यहाँ पे सहूलत है। सो वेलकम टू श्रीलंका कोलंबो। जब जहाज़ यहाँ पे लैंड किया है तब बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी देर बाद ड्रिजलिंग शुरू हो गई, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गई, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी। तो बस कभी बारिश होती है और कभी रुकती है, मैंने ये देखा है अभी तक, आधा घंटा पौना घंटा हुआ होगा मुझे यहाँ पे आए हुए। तो दोस्तों इमिग्रेशन स्मूथली हो गई, उसके बाद मैं बाहर निकला हूँ और बैग मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया था। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे या तो कैब कंपनीज़ के काउंटर्स हैं या फिर यहाँ पे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके काउंटर्स हैं, और साइड पे एटीएम मशीन्स थी। मैंने फ़ौरन एटीएम मशीन्स देखी क्योंकि ज़रूरी है कि आपके पास लोकल करेंसी हो, तो एटीएम यहाँ पे थी और बिल्कुल परफेक्टली वो काम कर रही थी, तो मैंने लोकल करेंसी वहाँ से विड्रॉ कर ली है। अब मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ जो कि जल्दी यहाँ पे आने वाला है। ये मेरे ड्राइवर साहब बड़ी जल्दी आ गए हैं, और चलें जी ठीक है चलते हैं फिर कोलंबो सिटी। ओए होए होए यहाँ पे तो बड़ी बारिश हो रही है भाई। ओए होए होए बड़ी बारिश हो रही है। तो दोस्तों जब मैंने आने का सोचा था तो मैंने पहले सोचा था कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा और लोकल बस लेके शहर जाने की कोशिश करूंगा। लोकल बस बड़ी सस्ती पड़ती है, सिर्फ 150 रुपये में वो ले जाती है शहर तक, आगे से आप रिक्शा वगैरह लेके अपने होटल या हॉस्टल चले जाएँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने वेदर फोरकास्ट वगैरह देख लिया था कि भाई बड़ी अन्नी बारिश हो रही है, तो इसलिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया, इसलिए मैंने पहले से ही कैब बुक कर ली। और ये कैब वाले भाई साहब, इन्होंने मुझसे कहा था 10:30 बजे मैं पहुँचूँगा, और ये ठीक 10:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए, तो दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। और प्रॉब्लम ये है कि एयरपोर्ट शहर से 36 किलोमीटर दूर है। अब 36 किलोमीटर बड़ा लंबा फासला है, और मौसम आपके सामने है, ऐसे मौसम में कहाँ बाहर निकलता और कहाँ जाके बस वगैरह ढूंढता। तो उससे बेहतर ये था कि जी सीधी सीधी कैब करो, ठीक है थोड़े से पैसे लगेंगे, पैसे लगाओ और सीधे सीधे हॉस्टल पहुँचो, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि बंदा जो है बंदा एडवेंचर करता फिर कि भाई मैं बस लेके जाऊँगा और आगे से रिक्शा लूँगा, ये वाले सारे एडवेंचर्स का यहाँ पर टाइम नहीं है। ये देखें जी बार बार कभी बारिश होती है और कभी रुक जाती है, बहरहाल हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो जी देख लें कि ये है रूम, इसके मैंने पे किए हैं $13 पर नाइट के हिसाब से, अभी फ़िलहाल मैंने 2 रातों के लिए लिया है, तो इसके बनेंगे $26 2 नाइट्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों मैं रेस्ट करता हूँ और इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।